हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट एंटी अरिथमिक ड्रग्स। इन माय प्रीवियस वीडियो आई वाज डिस्कस अबाउट एक्शन पोटेंशियल, हाउ इट इज जनरेटेड। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एंटी अरिथमिक ड्रग्स। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू बिफोर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो। तो एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन चार टाइप में किया गया है, मतलब चार क्लास में किया गया है। क्लास वन सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, क्लास टू बीटा ब्लॉकर होते हैं, क्लास थ्री पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, क्लास फोर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। और क्लास वन का अगेन हमने क्लास वन ए, क्लास वन बी और क्लास वन सी में तीन में डिवाइडेशन किया है। और ये जो क्लास वन के हमने ए बी सी, मतलब क्लास वन ए, क्लास वन बी और क्लास वन सी में इनको डिवाइड किया है। तो इन तीनों के पास सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, मगर इनके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने इसको ए बी सी में डिवाइड किया है। मतलब जो क्लास वन है उसके पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी और सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी दोनों भी है। क्लास वन बी के पास पोटेशियम चैनल ओपनिंग एंड सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। क्लास वन सी के पास सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी ही है, उसके पास पोटेशियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो इसको याद करने का अच्छा तरीका बनाया है मैंने। मतलब फर्स्ट मतलब क्या है, पहले, इसको क्या बोलना है, पहले। पी मीन्स प्यार, क्यू मीन्स क्यू, डी मीन्स दिया, पहले प्यार क्यों दिया। क्लास वन बी, बी मतलब बाद में, एल आई जी मतलब लेग, लेग मतलब पहले प्यार क्यों दिया, बाद में मतलब पहले प्यार क्यों दिया, बी मीन्स बाद में, एल आई जी मतलब बाद में लात क्यों मारी। उसके बाद पी टी मतलब पत्थर भी मारे, पी टी मतलब पत्थर भी मारे। उसके बाद जो क्लास वन सी है, इसमें क्या बताया गया है उस लड़के ने, कि इनकेनाइड, फ्लेकेनाइड और प्रोपेफेनोन नाम के तीन फाइव स्टार होटल थे, उसमें लेके उसका सारा पैसा क्लास टू में उसने बर्बाद किया है। मतलब पी ई एस मतलब पैसा, क्लास टू में क्या आ गया, पैसा, मतलब वो क्लास वन से क्लास टू में गया, क्योंकि उसका सारा पैसा उस लड़की ने इनकेनाइड, फ्लेकेनाइड और प्रोपेफेनोन नाम के होटल में बर्बाद किया। उसके बाद क्लास टू हमने देखा प्रोपेनोलॉल, इस्मोलॉल, सोटेलॉल। उसके बाद क्लास थ्री में क्या आता है, ब्रिटिलियम, अमाइडारोन, सोटेलॉल, डोपिटिलाइड, इबुटिलाइड। मतलब इसमें क्लास टू में आने के बाद वो क्लास थ्री में गया वो लड़का। उसके बाद क्लास थ्री कैटेगरी में जाने के बाद उसने सोचा कि अब मुझे उसने धोखा दिया, तो अब मैं कुछ तो करूँगा, अब उसका इंतकाम लूँगा। मतलब बी ए एस मतलब बस, डी आई मतलब, बी ए एस मतलब बस, डी आई मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर, मुझे अब ड्रग इंस्पेक्टर होना है, बस डी आई। उसके बाद क्लास फोर में क्या आता है, वेरापामी और दिलतियाजेम, उसमें डाइहाइड्रोपिरिडिन्स नहीं आते, क्योंकि वो हार्ट पर काम नहीं करते, वो सिर्फ ब्लड वेसल पर ही काम करते। तो ये था क्लासिफिकेशन एंटी अरिथमिक ड्रग का। आपको कैसे समझ में आया कमेंट ज़रूर कीजिए।